गुड मॉर्निंग माय स्मॉल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल मस्ट बी एब्सोल्युटली फाइन फिट एंड हेल्थी स्टूडेंट टुडे वी विल टॉक अबाउट जीके ओके स्टूडेंट आई विल टीच यू जीके एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट उत्तराखंड अबाउट अवर स्टेट उत्तराखंड ओके स्टूडेंट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चन अबाउट उत्तराखंड बच्चों हम इस वीडियो में उत्तराखंड हमारा जो राज्य है उत्तराखंड जिस राज्य में हम रहते हैं उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस आंसर्स का डिस्कस करेंगे स्टूडेंट हियर आर फ्यू क्वेश्चंस ओके द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड मीन्स बच्चों ये पूछ रहा है कि हमारे राज्य उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है चीफ मिनिस्टर मतलब होता है मुख्यमंत्री हम जिस राज्य में रहते हैं उनके मुख्यमंत्री कौन हैं द आंसर इज़ मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड सिंस 2017. 2017 से बच्चों हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत मैं आपको उनकी पिक्चर दिखाता हूँ बच्चों ये हैं हमारे मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर हैं बच्चों आपने इन्हें देखा होगा बुक्स में आपने इनकी तस्वीर जरूर देखी होगी ठीक है बच्चों तो ये हमारे मुख्यमंत्री बच्चों दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी डिस्ट्रिक्स आर देयर इन उत्तराखंड कि हमारा जो राज्य है उत्तराखंड उसमें कितने जिले हैं डिस्ट्रिक्ट मने होता है जिले बच्चों हमारा जो राज्य है उत्तराखंड वो काफ़ी बड़ा है तो उत्तराखंड के छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं ताकि उत्तराखंड में अच्छे से सरकार कामकाज देख सके उसके लिए उत्तराखंड को छोटे छोटे जिलों में बांटा गया है तो ये है बच्चों क्वेश्चन हाउ मैनी मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट मने जिले आर देअर मीन्स हैं इन द उत्तराखंड उत्तराखंड में कितने जिले हैं तो बच्चों आंसर है देयर आर थर्टीन डिस्ट्रिक्स इन उत्तराखंड बच्चों हमारे राज्य में तेरह डिस्ट्रिक्स हैं बच्चों तेरह डिस्ट्रिक्स हैं देयर आर थर्टीन डिस्ट्रिक्स इन उत्तराखंड लेट मी शो यू मैप ऑफ उत्तराखंड स्टूडेंट ये है हमारा मैप ऑफ उत्तराखंड ये हमारे राज्य का मैप है बच्चों आप इसे देख सकते हैं इसमें आप अंदर देख सकते हैं देर आर डिफरेंट कलर्स आर यूज है ना बच्चों तो ये इस जितने ये अलग अलग कलर हैं बच्चों ये हमारे राज्य के डिस्ट्रिक्स हैं जो अलग अलग कलर से आपको समझाए गए हैं सो मैं बताता हूँ इनके नाम उत्तरकाशी देहरादून ये है पहले उत्तरकाशी ग्रीन इन कलर देहरादून हरिद्वार टिहरी गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल रुद्रप्रयाग चमोली पिथौरागढ़ बागेश्वर अल्मोड़ा नैनीताल ऊधम सिंह नगर और चंपावत बच्चों ये हैं थर्टीन डिस्ट्रिक्स जिसमें हमारा राज्य बंटा हुआ है बच्चों ये हमारा राज्य है और इसके तेरह डिस्ट्रिक्ट आपको मैंने ये बताए हैं ठीक है बच्चों इसमें आपको ध्यान से देखें और डिस्ट्रिक्स के नाम याद करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट अब इन तेरह जिलों में से बच्चों जैसे मैंने आपको बताया थर्टीन डिस्ट्रिक्ट में से हम किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं यानी कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट द नेम ऑफ़ आवर डिस्ट्रिक्ट इज़ टिहरी गढ़वाल बच्चों हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है जिले का नाम है वो है टिहरी गढ़वाल दिस वन स्टूडेंट टिहरी गढ़वाल बच्चों हम यहाँ रहते हैं टिहरी गढ़वाल हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो है टिहरी गढ़वाल ओके स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन है वेयर इज द कैपिटल ऑफ आवर स्टेट हमारे राज्य की राजधानी जहाँ पर हमारे राज्य के राज्य मंत्री जैसे मुख्यमंत्री और भी बहुत से हमारे जो मुख्य मंत्र जो हमारे प्रमुख डिपार्टमेंट अलग अलग विभाग विभाग के जो मंत्री होते हैं बच्चों वो किस इस स्थान पर होते हैं मतलब हमारे राज्य की राजधानी कहाँ है जहाँ से हमारे राज्य का राज चलता है तो वो है बच्चों देहरादून सो वेयर मीन्स कहाँ इज मैंने है द कैपिटल ऑफ कैपिटल मैंने राजधानी ऑफ आवर स्टेट हमारे राज्य उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है सो so, देहरादून इज द कैपिटल ऑफ आवर स्टेट और उत्तराखंड बच्चों जो देहरादून है इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड हमारे राज्य की उत्तराखंड की राजधानी बच्चों देहरादून है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन फाइव वैन वज वैन मने होता है कब वैन मने कब वज मने था आवर स्टेट हमारा राज्य उत्तराखंड फॉर्म्ड फॉर्म्ड मने होता है बना बच्चों कब हमारा राज्य बना मतलब किस तारीख को किस डेट को किस साल को हमारा राज्य बना तो बच्चों आवर स्टेट उत्तराखंड वज फॉर्म्ड ऑन नाइन नवंबर टू थाउजेंड बच्चों नाइन नवंबर टू थाउजेंड में हमारा राज्य बना था बच्चों अंडरस्टैंड बच्चों नाइन नवंबर दो हजार को हमारा राज्य बन चुका था तो ये है बच्चों कुछ क्वेश्चन हमारे राज्य से संबंधित आप इन क्वेश्चन को ध्यान से सुने पढ़ें और अपनी कॉपी में आपने ये क्वेश्चंस करने हैं बच्चों ओके और धीरे धीरे राइटिंग के साथ आपको इसे लर्न करने की भी कोशिश करनी है बच्चों ओके सो so, आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों हैव अ गुड डे